लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा की विजय यात्रा बस लाई गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से अपनी चुनावी विजय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा के प्रभारी एमएलसी संजय लाठर ने पत्रकार वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानपुर के गंगा नदी से विजय यात्रा शुरू होकर ये यात्रा यमुना नदी के तट तक जाएगी। आपको बताते चले कि इसी बस से प्रदेश के सघन दौरे पर निकल रहे हैं। इस बस पर समाजवादी पार्टी के नए स्लोगन का जिक्र है, नई सपा है नई हवा है। ये स्लोगन बस पर लिखा गया है। बस पर गरीब, किसान, महिला, युवा, कारोबारी, सभी की आवाज एक है, हम समाजवादी का जिक्र। बस पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, आजम खान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव तथा नरेश उत्तम पटेल के साथ पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है, कल का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताना कि माननीय अखिलेश यादव जी कल विजय रथ यात्रा के द्वारा चुनाव अभियान की, इस चुनाव 2022 के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे माँ पवित्र माँ गंगा जी के पुल से और यमुना नदी तक, माँ यमुना नदी तक। हमारी कोशिश ये होगी, जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है यहाँ से लेकर बुंदेलखंड तक एक तरफा हम जीतेंगे, हमारे विरोधियों का सफाया हो जाएगा। जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार कम भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने बताया 100 रुपये का काम 900 का हुआ है, वही विभाग कर रहा है। अगर अलग विभाग हो तो अलग बात है। हम भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, जो भी दोषी होंगे उनको जेल भेजने का काम करेंगे हमारी सरकार आते ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।